हरिभंजा में 108 कलश भद्र देवी सुभद्रा व सुदर्शन ने किया स्नान। अब खबर विस्तार से। खरसावा के प्रति प्रसिद्ध हरिभंजा के जगन्नाथ मंदिरों में प्रभु जगन्नाथ बलभद्र देवी सुभद्रा व सुदर्शन को मंदिर के रत्न सिंहासन से सभी स्नान मंडप तक लाया गया। इसके बाद महास्नान के सभी रस्मों को निभाया गया। मौके पर प्रभु जगन्नाथ बलभद्र व देवी सुभद्रा का 108 कलश पानी से महास्नान कराया गया। प्रभु जगन्नाथ को 35 कलश, बड़े भाई बलभद्र को 42 कलश, बहन सुभद्रा को 20 कलश व सुदर्शन को 11 कलश पानी से स्नान कराया गया। अलावे अगुरु चंदन, गाय का घी, दघु, दही, मधु, हल्दी आदि का लेप भी लगाया गया। इस दौरान मुख्य रूप से पुरोहित प्रदीप कुमार दास, भरत त्रिपाठी, जमींदार विद्या विनोद सिंह देव, संजय सिंह देव, राजेश सिंह देव, राणा सिंह देव, जगन्नाथ त्रिपाठी, शचिंद्र कुमार दास, मोहित दास, धनंजय सिंह देव समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। पंडित प्रदीप कुमार दास के अनुसार अत्यधिक स्नान कर भगवान बीमार हो गए तथा उपचार हेतु उन्हें मंदिर के अणसर ग्रह में रखा गया है। अब 15 दिनों तक प्रभु जगन्नाथ बलभद्र व देवी सुभद्रा का अलग अलग तरह की जड़ी बूटी देकर उपचार किया जाएगा। इन 15 दिनों में किसी को भी प्रभु जगन्नाथ बलभद्र व सुभद्रा के दर्शन नहीं होंगे। 7 जुलाई को नेत्र उत्सव पर प्रभु के नए रंग रूप में आने, भक्तों को दर्शन देने के फलस्वरूप इसी दिन ही वार्षिक रथ यात्रा भी निकाली जाएगी।